नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओल्ड वर्स न्यू की ऑटोमोटिव एक्सेसरीज को। दोस्तों मेरा नाम है मोहित, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वेगा का जेट कैप्टन डब्ल्यू वाइजर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इस हेलमेट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि ये हेलमेट है कैसा, इसमें क्या क्या फीचर्स है और इसमें आपको कंपनी क्या क्या दे रही है, ताकि जब आप इस हेलमेट को ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदने जाओ तो इस वीडियो से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस हेलमेट को लेकर। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस हेलमेट की अनबॉक्सिंग करता हूं मैं। इस कलर का डब्बा आएगा जब आप इस हेलमेट को परचेज करेंगे। Check the mic and make sure it sound right, boys. तो फ्रेंड्स मेरे आगे है वेगा का जेट कैप्टन डब्ल्यू वाइजर। डब्ल्यू वाइजर इसका मतलब है डब्ल्यू की शेप में इसका वाइजर है, इसलिए डब्ल्यू वाइजर है, वैसे ये जेट कैप्टन। तो इस हेलमेट के आप एक बार ओवरऑल लुक पे नजर डालिए, फिर मैं आपको इस हेलमेट के बारे में बताता हूँ। अगर इस हेलमेट के फ्रंट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसका एक वाइजर दिख जाएगा डब्ल्यू की शेप में है, और ये थोड़ा शेल लाइक इसकी वाइजर की इसकी शेप रखी गई है, जो कि आप साइड से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उभरा हुआ है, मतलब एक प्लेन नहीं है। और इसमें आप देखिए रॉयल एनफील्ड लिखा गया है, आई थिंक रॉयल एनफील्ड को ये स्पॉन्सर करता है तभी ये हेलमेट रखा गया है। और बुलेट में और जितनी भी क्लासिक है, इलेक्ट्रा है, स्टैंडर्ड है, वहीं हाफ में ज़्यादा हेलमेट चलते हैं, तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि वो राइडर्स इस हेलमेट को परचेस करते होंगे या प्रेफर करते होंगे। वहीं नीचे की तरफ देखिए सिंपल रखा गया है, इसमें कोई चिन गार्ड नहीं है, ओपन फेस हेलमेट है, तो इसलिए ये ऐसा है। अगर इसके साइड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कैप्टन अमेरिका वाली फीलिंग आ रही है इसमें, साइड से देखिए पूरा स्टार दिख रहा है, साइड से इसमें ISI का मार्क भी आपको दिख जाएगा, वहीं वेगा आप इजीली पढ़े जा सकते हैं। और इसके जो वाइजर के साथ में आप देखिए पूरी प्रोटेक्शन दी गई है साइड में सपोर्ट के साथ, जो कि इस हेलमेट की लुक को और इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन थीम को एकदम मैच करता है, अच्छा लग रहा है देखने में। वहीं इसकी एक मैटिश फिनिश है जो कि आप बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है छूने में, प्रीमियम क्वालिटी वाली सीलिंग आ रही है, और इसकी जो क्वालिटी है पेंट की काफ़ी अच्छी है, और UV रेजिस्टेंस इसका पेंट है, यानी कि धूप में भी आप इस हेलमेट को रखोगे तो इसका कलर फेड नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ भी दोस्तों वही पैटर्न है जो कि उस साइड है, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोनों तरफ से देखने में। अगर इसके ऊपर की बात की जाए तो ऊपर आप देख सकते हैं इसमें डल रेड का इसमें पैटर्न व्हाइट के साथ काफी अच्छा लग रहा है देखने में। वहीं सामने की तरफ आप इसमें वेगा इजीली पढ़ सकते हैं, और इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन के साथ काफी अच्छा लग रहा है, और पूरी एक लाइनिंग जा रही है पीछे तक, जो कि इस हेलमेट की थीम जो कि कैप्टन अमेरिका वाली फील है काफी अच्छी आ रही है और प्रॉपर आ रही है। और दोस्तों पीछे की बात की जाए तो सबसे अच्छी बात जो कि पीछे है इसमें, ये डॉट प्रूफ है। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी USA के ज्यादातर जो हेलमेट होते हैं वो डॉट प्रूफ होते हैं, ये हेलमेट डॉट प्रूफ भी है, और यहाँ से आपको ISI प्रूफ भी। आप बोल सकते हैं ये हेलमेट काफ़ी मजबूत है, और इसने अपनी मजबूती का टेस्ट इन दोनों सर्टिफिकेट लाके पूरा कर दिया है कि इसकी मजबूती पे कोई शक नहीं कर सकता। और इसके इंटीरियर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं फुली ब्लैक इसमें आपको इंटीरियर मिलेगा, नॉन रिमूवेबल लाइनर है, मतलब आप इसको लाइनर है जो ऊपर का हिस्सा है वो आप सीधा सैनिटाइज कर सकते हैं या डिसइंफेक्टेंट यूज करके आप उसको क्लीन कर सकते हैं। एलर्जी प्रूफ इंटीरियर मिलेगा, इसका मतलब जो इसमें मटेरियल यूज करा गया है वो आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं देगा। वहीं इसमें बकल लॉक दिया गया है जो कि स्टेप लॉकिंग सिस्टम का छोटा वर्जन बोल सकते हैं, और डी लॉकिंग का सबसे छोटा वर्जन बोल सकते हैं। तो ये बकल लॉक मैकेनिज्म है जो कि काफ़ी ईजिली इसमें आप इसमें लॉक कर सकते हैं, वहीं एक ही से आप इसे एक ही हाथ से आप इसको इजीली खोल सकते हैं, जो बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, इसे बोलते हैं बकल लॉक मैकेनिज्म। अगर इस हेलमेट के कलर्स की बात की जाए तो आपको मिलेंगे जेट ओल्ड स्कूल डब्ल्यू वाइजर ब्लैक ऑरेंज हेलमेट, जेट ओल्ड स्कूल डब्ल्यू वाइजर ब्लैक सिल्वर हेलमेट, जेट ओल्ड स्कूल डब्ल्यू वाइजर वाइट ऑरेंज हेलमेट, जेट स्टार डब्ल्यू वाइजर डल ब्लैक सिल्वर हेलमेट, और मेरे पास है जिसकी मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये है जेट कैप्टन डब्ल्यू वाइजर डल रेड मेटेलिक ब्लू। डल रेड मतलब इसका जो रेड है ये डल है,
और इसके ब्लूइश का पैटर्न है मेटलिक। अगर इसके साइज की बात की जाए तो आपको उसमें दो साइजेस मिलेंगे, लार्ज और मीडियम। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो आपको 1295 रुपीज का ये हेलमेट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस हेलमेट के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपका आप हाफ फेस हेलमेट देख रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट देख रहे हैं, तो आप इस हेलमेट को भी अपने एक विश लिस्ट में कंसिडर कर सकते हैं और इस हेलमेट को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस हेलमेट का परचेज लिंक डाल दूंगा, जहाँ से मैंने परचेज किया मैं वहाँ का भी आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो, वहीं अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो मैं आपको अमेजोन का भी लिंक डाल दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप घर पे सेफ रहें, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। थैंक यू।